आगरा में बनने वाले लोकोदय तीर्थ के लिए दान देने वालों की गिनती बढ़ती ही जा रही है, जहां 9 दिसंबर को मुनि पुंगव श्री के मंगल सानिध्य में ताजगंज स्थित ताजखेमा में आगरा के 5 परिवारों ने लोकोदय तीर्थ के लिए 11 कलश की भूदान राशि दान दी। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज आगरा के ताजगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में विराजमान है। 9 दिसंबर को ताजगंज स्थित ताजखेमा में बने दिव्य समवशरण में विराजमान मुनि पुंगव श्री के सानिध्य में आगरा के 5 परिवारों ने तीर्थ के लिए भूदान राशि दी। इस दौरान श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति द्वारा इन सभी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। लोकोदय तीर्थ के लिए दान देने वाले दानदाताओं ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। महाराज जी के आशीर्वाद से और मन बन गया और हमने भूदान के लिए अपनी माता पिता की स्मृति में भूदान के लिए 11 कलश की राशि ली। बहुत अच्छा लग रहा है, महाराज जी के प्रवचन से बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सी प्रेरणा मिल रही है जो हमें करनी चाहिए। मेरा कहना तो यही है, महाराज जी के दो प्रवचन मैंने सुने ताजगंज शैली में। बस महाराज जी ने कहा है आदमी को अपने जीवन काल में कोई ना कोई स्मृति बनानी चाहिए। बस फ़र्क पड़ता है, जैनों में स्मृति बनाए अपने माँ बाप के थ्रू दिन दिन का दर्शन होने चाहिए, कहना उनके उस धर्म की प्रभावना बढ़े, राग को धर्म के प्रति ले जाना चाहिए। अब आजकल लोग क्या करते हैं, राग को राग में ही रहने देते, इससे आगे के लिए राग का राग ही रह जाता है। साथ ही 5 कलश और 5 श्रीफल की लोकोदय तीर्थ के लिए राशि देने वाले दातार नीरज जैन ने अपने भाव व्यक्त किए। गुरुवर की प्रेरणा हुई, कुछ भाव ऐसे हुए हमारी धर्मपत्नी के, हमारे ऐसे भाव हुए और हमने जो है वो एक छोटी सी राशि या जो भी 5 कलश 5 श्रीफल की राशि जो है वो हमने एक छोटा सा अपना योगदान, अपने परिवार का योगदान इस जो नया तीर्थ आगरा के लिए बन रहा है लोकोदय, उसमें हमने दिया। इसके अलावा राजीव जैन बैंक वालों ने लोकोदय तीर्थ के लिए 11 कलश की राशि भूदान देकर अपने भाव व्यक्त किए। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चतुर्मास आगरा में होने के कारण एक बहुत बड़ा महान तीर्थ बनना है जो आगरा में, जो एक अद्वितीय है और एक अलौकिक होगा जो है, उसके लिए मैं आचार्य जी को बारम्बार नमस्कार करता हूँ और ऐसा ही एक और ऐसी धर्म भावना और महाराज जी करते रहे, जिसके लिए मैं आप उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बार बार नमन करता हूँ। मुनि श्री के दर्शन करने बाहर से आए गुरु भक्त ने अपने भाव इस प्रकार व्यक्त किए। गुरुवर के आज के प्रवचन भरत चक्रवर्ती के दान की महिमा को बताते हुए थे और भरत चक्रवर्ती का दान एक ऐसा दान था जो कि मोक्ष सुख की प्राप्ति को प्राप्त कराने वाला था। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से आज लोकोदय तीर्थ के लिए दान देना सबसे बड़ा सौभाग्य बन गया है। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट।